तो गाइस मैंने एक स्पैनिंग के ऊपर दोबारा से एग्जांपल लिया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि एस जो है ना हमारा एक सेट है, इस फॉर्म का सेट है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू कॉमा में, मतलब कि हमें तीन पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं। और ये देखो बोल रखा है ना सबसेट ऑफ पी टू आर, मतलब ये पी टू आर का मतलब क्या है कि पी जो है पॉलीनोमियल को डिनोट कर रहा है और टू का मतलब है एक्स की पावर जो है हाईएस्ट जो है हमारी टू है, ठीक है। तो जो पॉलीनोमियल बन रहा है स्क्वायर वाला बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आर मतलब क्या है, जो भी मतलब नंबर्स है ना वो रियल नंबर से हमने उठाए, इसीलिए वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर्स है वो रियल नंबर से सारे के सारे, इसीलिए यहाँ पर आर लिखा है, ठीक है। अब हमें बताना है इस एस जनरेटेड बाय पी टू आर। देखो जनरेटेड का मतलब है स्पैनिंग से, ठीक है। जब भी हम किसी की स्पैनिंग की बात करते हैं ना, इसका मतलब यह है कि वो मतलब कि वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम उसकी स्पैनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि स्पैनिंग ऑफ एस निकाल रहे। जब किसी की स्पैनिंग निकालते हैं गाइस, मैंने आपको बताया, देखो स्पैनिंग का एक ये मैंने लिखा हुआ है दिस थिंग, स्पैनिंग ऑफ एस मतलब कि किसी की भी स्पैनिंग जो होती है उसकी एक तरीके से फॉर्मूला समझ लो, होता है ए वन वी वन प्लस में ए टू वी टू एंड सो ऑन ए एन वी एन, ठीक है। ये वी जो है वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं जो एस से आ रहे हैं, और ए जो है वो कहाँ से फील्ड से आ रहे हैं, वो स्केलर्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, वेक्टर जो है फील्ड से मतलब कि स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। वो वेक्टर जो है स्केलर से मल्टीप्लाई, और मैंने बोल रखा था कि हमेशा आपको जो ये स्केलर्स है ना ए वन ए टू आपको लेट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके जो तीन दे रखे हैं ना ये एस सेट में ही तो है, तो ये तीनों के तीनों आपके वैक्टर है, तीन वैक्टर है आपके, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं वी वन वी टू कहाँ से बिलोंग करते हैं, एस में से, ठीक है। तो मतलब कि ये जो एस सेट दे रखा है ना ये तीन चीज़ें, ये वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है। अब इसको क्या है स्पैनिंग निकाल लिया, स्पैनिंग के लिए आपको क्या रखना है, एक ए वन स्केलर होना चाहिए और वी वन वैक्टर। इसको मैंने मान लो वी वन मान लिया, तो ठीक है यहाँ पर आपको ना लेट करने पड़ेंगे। यहाँ पर लेट कर लिख सकते हैं आप कि आपने एक ए वन स्केलर लिया है आपका वी वन वैक्टर प्लस में ए टू स्केलर आपका वी टू वैक्टर प्लस में तीन है ना तो ए थ्री तक ही जाएगा, ठीक है। जैसे ये दे रखा है तो ये स्पैनिंग का एक तरीके से लिखने का हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है गाइस। स्पैनिंग में ना हम बेसिकली ना इसके ना एक इंडिपेंडेंट फॉर्म निकालते हैं, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ है ना वो किसी पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो स्केलर्स हम लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री, इसकी वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए अगर कोई दूसरा चेंज हो रहा है तो, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब क्या है कि अगर देखो मैं इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करूँगी। अब पॉलीनोमियल्स कैसे सॉल्व होते हैं आप जानते होंगे, प्लस होते हैं जब पॉलीनोमियल्स कि जिसकी पावर स्क्वायर होंगी वो स्क्वायर से ही प्लस होंगी। तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ए वन टू ए टू टू ए टू माइनस में ए थ्री और एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले कॉमन निकाल लिए, एक्स वाले निकाल लिए, और ये जो जिसमें जिसके पास कोई भी पावर नहीं है वो वाले अलग निकाल लिए। अब देखो पॉलीनोमियल्स की फॉर्म किस तरीके की होती है, पॉलीनोमियल्स आप जानते होंगे वो होते कैसे हैं। नॉट दैट एनी पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की ऐसी फॉर्म होती है ना कि पहले कोई हाईएस्ट पावर होती है, फिर उससे पावर डिक्रीज होती रहती है और उसके कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है, राइट। तो अब पॉलीनोमियल कैसा बिलोंग कर रहा है, पी टू का, तो इसका पॉलीनोमियल इस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो ए है ना ये इसके कोएफिशिएंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। बेसिकली स्पैनिंग जो होती है ना हमें ना एक कॉन्स्टेंट मतलब कि एक वेरिएबल के इक्वल रखते हैं स्पैनिंग में, ठीक है। याद रखना स्पैनिंग में एक वेरिएबल के इक्वल रखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यूज़ है इसकी इक्वेशन मतलब ए वन ए टू ए थ्री की बेसिकली हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। बट हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल के इक्वल रखते हैं। अब इसको किस वेरिएबल के इक्वल रखेंगे, इस ए के इक्वल। यहाँ पर पॉलीनोमियल की मैंने फॉर्म निकाल ली, इस फॉर्म का होता है, तो ये पूरे के पूरे कोएफिशिएंट, ये जो ए वन वाले कोएफिशिएंट है ये वाले, ये पूरे ए के इक्वल हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे बी के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये जो पॉलीनोमियल है ना ये पॉलीनोमियल इस वाले पॉलीनोमियल से कंपेयर हुआ है, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा ना, मतलब कि इक्वल टू, ठीक है। मतलब कि अब इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसका स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ जो है इसके इक्वल होगी। इसकी पावर एक्स की पावर वन है, यहाँ पर भी एक्स की पावर वन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस बी के इक्वल होगा, ठीक है। आपको हैबिट हो जाएगी कि इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आप दो तीन और क्वेश्चन मैं करवाऊँगी आपको इसी के, और भी मतलब बेसिकली आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आता है स्पैनिंग निकालना, ठीक है। तो ये बी के हो जाएगा और ये सी के हो जाएगा। बेसिकली आपको ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों की वैल्यू, अब तीनों इक्वेशन में देखो हमारे पास तीन तीन वेरिएबल है, ठीक है। आपको तीन की वैल्यू कैसे निकालें, दो को मतलब इवेल्युएट करेंगे, मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाया,
इस वाली में, इस वाले में, इसको 3 टाइम्स कर दिया है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन का 3 टाइम्स कर दिया मैंने, तो इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये 2 की फॉर्म हो गई। फिर मैंने इसको शायद इस वाली को लिया फर्स्ट वाली को, उसके बाद मैंने थर्ड वाली को लिया, ठीक है, इक्वेशन को, हाँ थर्ड वाली को इक्वेशन को लिया, फिर इन दोनों को सॉल्व करा, इसके भी 2 वेरिएबल्स आ गए, फिर इसकी इक्वेशन को मैंने इसके साथ एलिमिनेट करा, मतलब बेसिकली आपको एलिमिनेशन लगा के इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये A2 की वैल्यू आ जाएगी और A3 का। अब देखो, अब इसकी वैल्यू जो है, देखो A3 की वैल्यू ये रही, A2 की वैल्यू ये रही एंड A1 की वैल्यू ये रही, तीनों की वैल्यूज जो है ना, मतलब आ तो ABC में से रही है, ऑब्वियसली आएगी तो उसी में, बट अगर मैं A की वैल्यू कुछ भी डाल देती हूँ, इनकी वैल्यूज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि इनकी वैल्यूज़ है ना अलग अलग आएंगी आएंगी, ठीक है। इसकी वजह से कोई ज़ीरो नहीं हो रहा, मतलब पूरे चेंजेस नहीं आ रहे बेसिकली। अगर मैं इसको किसी को ज़ीरो डाल दूँगी तो ज़रूरी नहीं ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यूज मुझे कुछ ना कुछ अलग मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, इसकी स्पैनिंग का मतलब यही होता है कि ये जनरेट हो रहा है। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी जो है एक इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ आ रही है तीनों की अलग अलग, इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी स्पैनिंग हो रही है, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, देख लेना, आगे क्वेश्चंस और करवाऊंगी स्पैनिंग के ऊपर, आपको ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है, ओके।